हेलो वेलकम एंड नमस्कार मेरे इस हफ्ते के एपिसोड में। दोस्तों, जिंदगी में आपको दो किस्म के लोग मिलेंगे, एक जिसने पैसा बहुत कमाया हो और दूसरा जिसने इज्जत बहुत कमाई हो। आज का एपिसोड एक ऐसे व्यक्ति पर है जिसने धर्मशाला में दूध बेचकर इज्जत कमाई है। कि जब हम घर से आए थे तो कुछ नहीं था हमारे पास, जो भी आज दादी ने दिया सब कुछ, ये रहने को भी, ये मकान भी, ये सारा कुछ। मैं बचपन में यहाँ मतलब ऐसे ही, जब मैं 8th में पढ़ता था तब मैं यहाँ ऐसे घूमते घूमते दादी के पास आया। तो जब मैं पढ़ता था थोड़ा मुझे पैसे की घर में आर्थिक तंगी थी, इसलिए मैं दादी के पास आया तो मैंने देखा कि दादी तो बहुत अच्छे, जब इनकी शॉप दुकान में मैं पहुँचा तो दादी जी वहाँ बैठे थे, चाय बना रहे थे। इन्होंने मेरे को चाय का एक कप और एक कचौरी दी और मैंने पूछा दादी जी पैसे कितने लेते हैं, तो दादी ने मेरे को बिल्कुल मना कर दिया कि हम पैसे लेते हैं, हम ऐसे ही सेवा करते हैं। तो दादी ने पूछा तेरे घर कहाँ है, मैंने बोला कि मेरे घर कनाडा में है। तो जहाँ वहीं से मेरी जान पहचान हुई दादी से, और ऐसे चलते 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 अब मेरे को यहाँ 18 साल काम करते हो गए इनके साथ। इन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया जी। इनके मम्मी डैडी थे वो खेती बाड़ी का काम करते थे और बहुत बड़ा परिवार था। ये बहुत गरीबी से इन्होंने अपना बचपन गुजारा, उसके बाद इनकी शादी हुई तो अनफॉर्चुनेटली वो भी बहुत गरीबी से, इनकी शादी भी वहाँ जहाँ हुई वो भी बहुत गरीब थे। फिर इनके 2 बच्चे हुए, लड़कियाँ हुई, 2 लड़के हुए। फिर इन्होंने यहाँ आके दूध का छोटा सा धंधा शुरू किया। फिर इन्होंने गाय पाली, गाय भैंसें रखी, उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते आज एक नाम है पूरे इस एरिया में। इनको ज़्यादातर बोबो, जो हमारी पहाड़ी भाषा में बड़ी बहन को बोलते हैं बोबो, और जो नई जनरेशन है वो इनको दूध वाली माई के नाम से जानती है। ये हैं कमला देवी, जिनको धर्मशाला में बोबो, बोबो दिव्य और दूध वाली माई के नाम से जाना जाता है। आज हम इनकी जिंदगी का एक सफर देखेंगे और सीखेंगे कि जिंदगी गरीबी में बीतने के बाद कैसे इनकी मुस्कुराहट आज भी कायम है। अपना दिल मानता ये है कि मैं थोड़ी सी रोटी खा लूं ना, वही पूरी हो गई। अब कल क्या खाना है, कल आएगा तो सोचेंगे, दिन में नहीं रखना भी यही जोड़ना ना 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 सारे करना कुछ नहीं, जो भगवान देगा वो खाना। लास्ट दिन भूख नहीं किसी की चीज के लेने की। आप हमेशा हंसते कैसे रहते हो? तो आदत अपनी खुशी, खाने को मिल गया बस आखड़ा, भूख नहीं लगना चाहिए। आज के एपिसोड में हम बोबो के गौशाला में बिताएंगे और देखेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि लोग इनकी गौशाला में सालों से आ रहे हैं। दादी बोलते हैं बोबो, बोबो बोलते हैं, बोबो बोलते हैं नाम से ज्यादा लोग। और इनका दूध क्यों मशहूर है इधर? दूध तो भैया अच्छा है जी, प्योर दूध है, गाय का दूध प्योर। और उसी टाइम दूध के उसी टाइम दे देती जी। मेरे को तो 12 साल हो गए यहाँ पे, तो 12 साल से ले रहे हैं। और यहाँ काफी लोग बहुत सालों से आ रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छा दूध, प्योर दूध और उसी टाइम देते हैं, तो साफ सफाई का ध्यान पूरा रखा जाता है, गायें भी सुंदर हैं, साफ सुथरी हैं, तो यहीं पे आते हैं सारे। प्योर दूध जो आजकल कहीं भी नहीं मिलता है,
बाजार में जाओगे तो सिंथेटिक दूध मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे बढ़िया और प्योर और सबसे अच्छी क्वालिटी का दूध यहाँ पे ताज़ा मिलता है। पहले गाय को गाय के थन अच्छी तरह साफ साफ करके धो के और इसमें फिर बाद में घी लगाना पड़ता है, मतलब इससे कि कोई गंदगी और टी मतलब कण वगैरह ना दूध में गिर जाए, बिल्कुल साफ सुथरी करके निकालना पड़ता है दूध इसका। गाना दे खाना देते हैं इनको 5 बजे सुबह और 7 बजे यहाँ घर चले जाते हैं दूध दे के ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ 1 बजे इनको खाना डालते हैं घास काटते हैं फिर शाम को 7 बजे जाते हैं घर को। इसको जसूर से ले आई 7,00,000 की फिर ये टूट गई फिर बनाई मैंने दोबारी, अब ठीक है, इसका फायदा बहुत है घास कम लगता है। ये अपनी गौशाला की सफाई दिन में 3 बार करती है और अपनी गायों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ती। लोग भी मारते और इनको चलना नहीं आता है, गिर जाती है ना, गिर जाएगी तो टूट जाएगा कोई पासा, तब नहीं छोड़ते हैं। तो जो लोग गाय को ऐसे खुला छोड़ते हैं उनके बारे में क्या बोलोगे? हम बोलेंगे वो गंदे लोग हैं, वो अच्छे नहीं है, हम ऐसे ही बोलेंगे। जब पाला है तो उनकी परवरिश अच्छी करो, अपने बच्चे लेखा पालो जैसे अपने बच्चे पालते हैं, जैसे इनको पालो तब आपको फायदा देंगे। खाने में घास के सिवाय एक काउ फीड देते हैं जो कि डिफरेंट पल्सेस का मिक्सचर है। फीड में होता है आटा जौं दा फिर छलियां दा फिर मक्की का फिर और क्या होता है खाड़ा होती है बुड़ुई की सरसों की नमक होता है मिनी मिक्सचर होता है वो देते हैं। तो ये थी धर्मशाला की बोबो जिन्हें आज दूध बेचते हुए 50 साल हो गए हैं। अपने बच्चों को खोने के बाद भी 80 साल की बोबो की हिम्मत नहीं टूटी। और मेरे साथ ये हुआ है, मेरे लड़के 2 चले गए हैं, वो पता नहीं मैं क्या कारण किए थे, मैंने किया होगा कुछ तभी हुआ ना, ऐसे थोड़ी नहीं होता है, मेरे को तसल्ली है मैंने किया होगा कुछ, मैं रोती तो जरूर है आप कोई मेरे करना बड़े अच्छे लड़के राजे थे, मेरे लड़के राजे किसी के लड़के नहीं हो गए ऐसे ऐसे जैसे मेरे लड़के थे, कईयों को घर डाल दे कईयों को क्या दिया कईयों को क्या दिया, किसी की लड़की सके शादी की या कोई क्या कुछ किया उसने उस उनके आगे अमेरले नहीं थे, इतने अच्छे थे लड़के मेरे, अब क्या करना मेरी किस्मत, अब फिर भी मैं सुखी है इन लोगों के लोग करते हैं मेरे को सुखी। Bobo presently resides in Dari village in Dharamsala and continues to sell milk and love her cows, a rare animal-human bond. We hope you enjoyed this week's episode. See you next week with some more content and some more stories. Till then, goodbye.
प्यारी है, कोई ऐसी बात नहीं, मैं किसी को माड़ा नहीं बोलती। खाओ कर कमाओ, खड़े होके नहीं रहना, बैठना नहीं है, उठो चलो, अपनी जान भी खरी दूसरे की जान भी खरी, खाने को भी अच्छा मिलेगा, उसमें स्वाद होगा। ऐसी बात है, कोई ऐसी बात।